कहते हैं कि बॉलीवुड खास तौर से बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है वहाँ पैर जमाना. आपने भी क्या स्ट्रगल किया था, आपको दिक्कतें आई थी शुरू में जब आप आए थे एडवर्ल्ड से? देखिए, मैं कभी स्ट्रगल का महिमा मंडन नहीं करता हूँ. मेरे अगर आप स्ट्रगल देखें तो आप ये बताइए कि मेरे पास क्या बैकग्राउंड है ना. मैं विज्ञापन के, मेरे शिक्षक परिवार का मैं व्यक्ति, छोटे उत्तराखंड के जिसे शहर भी नहीं कहते वहाँ, उन जगहों से मैं आया. किसी तरह का कोई एक्सपोजर मेरे पास नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था. तो स्ट्रगल तो डेफिनेटली रहा है, पर मैं उस स्ट्रगल को कभी महिमामंडित नहीं करूँगा. मैं नहीं चाहता कि लोगों को लगे कि इतना मुश्किल है कि नहीं कर सकते. मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को लगे कि वो कर सकता है. मधुर, मधुर राय, मधुर सर, 17 साल की उम्र से आपकी कलम के साथ सक्रियता है जो आज ही बरकरार है. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए इस जो 17 साल से लेकर आज तक काफ़ी कुछ चेंजेस आपने देखे होंगे, काफ़ी कुछ अनुभव किया होगा, तो अगर मैं ये जानना चाहूं कि आप अपने प्रतिरूप से जो कि 17 साल का ही हो, उससे क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, जो चेंजेस आए हैं कुछ कौन सी आदतें छोड़नी चाहेंगी, क्या किन चीज़ों के प्रति ध्यान देना होगा, ये ऐसा कुछ संदेश दे. कहने का मतलब ये थोड़ा सरल कर देता हूँ, सवाल ये है कि 17 साल से अब तक आपने जो भी नॉलेज गेन की है, एक्सपीरियंस गेन किया है, अगर ये सारा आपको 17 साल की उम्र में होता तो आप खुद को क्या बताते? कुछ नहीं बताता, क्योंकि बहुत ज़रूरी है. देखिए, किताबों से कभी नहीं सीख सकता. जो अनुभूत सत्य है वो अनुभूत सत्य ही रहेगा. आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वो आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता. जिस अनुभव से आपका शरीर, आपका मन, आपका एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व जिस अनुभव से नहीं गुजरा, उस अनुभव को कभी भी आप आत्मसात नहीं कर पाएंगे और उस अनुभव से आपका कोई फायदा नहीं होगा. कहीं किताब से पढ़ लिया कि ऐसा करना चाहिए इसलिए आप करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा आपको. लेकिन जिस दिन आपको लगने लगे, आपके अस्तित्व को ये लगने लगे कि ऐसा करना चाहिए, उस दिन आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे. तो ज़रूरी है कि आप अनुभवों से स्वयं गुजरें और अपनी गलतियां खुद करें. मुझे लगता है कि गलतियां करना बहुत ज़रूरी है. मैं फिर से वही सभी गलतियां करना चाहूँगा और मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहूँगा उस 17 साल के प्रसून को कि अब ये मत करना और ये करना. क्या बात है. गौरव, गौरव, गौरव. हेलो सर, माई सेल्फ गौरव शर्मा फ्रॉम आइसोम्स. सर, मैं और वो फ्रॉम द एज ऑफ 17 सर टू द लेटेस्ट सनशाइन लेन्स, सर व्हाट आर द लर्निंग्स एंड चेंजेस सिंस देन? एक तो मैंने सिंप्लिसिटी काफ़ी सीखी. पहले मुझे याद है कि जब ये पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी उसमें कविता थी कि मृत्यु के बारे में मैंने लिखी थी कि जब किसी चीज़ को आप खूबसूरत चीज़ को देखते हैं तो आपकी पलकें नहीं झपकती. तो इसके ऊपर ये थॉट था कि क्या मृत्यु इतनी सुंदर है कि उसके बाद आपकी पलकें नहीं झपकती, कि अपलक निहारना सौंदर्य को अनुभूति का द्योतक बन जाता है. अपलक ही हो जाता है मनुष्य जब करता है आलिंगन मृत्यु का, तब कौन सी अनुभूति होती है उसे जिससे वो कभी नहीं लौटता. ये मेरी 17 साल की कविता. उसके बाद से धीरे धीरे मैंने अपने आप को सरल करने लगा और सरल शब्दों में लिखने की कोशिश करने लगा. तो मैं चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी जैसी चीज़ें लिखने लगा. तो मुझे लगता है कि ऑडियंस से कनेक्ट करना, जो मैं लिखता हूँ उसका संप्रेषण होना, क्योंकि मैं संप्रेषण व्यवसाय से जुड़ा, चाहे वो फिल्में हों चाहे वो विज्ञापन हो, यहाँ पर संप्रेषित होना विचारों का और बातों का बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए धीरे धीरे मुझे लगा कि सिंप्लिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट देर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन सिंप्लिसिटी एंड इग्नोरेंस. कई लोग जो होते हैं उनको आता ही नहीं है और वो कहते हैं ये सिंपल है. वो सिंपल नहीं हो सकता कभी, वो आपको आता नहीं है इसलिए आप ऐसे सरल हैं. तो सरल, सिंपल टन और सिंपल में फ़र्क है. सरल करते करते प्रसून जी, जाहिर है आजकल आप सोशल मीडिया की लैंग्वेज बहुत ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ट्विटर, फेसबुक, इधर उधर, वो लैंग्वेज बहुत इंग्लिश किस्म की लैंग्वेज है, बहुत स्लैंग भी उसमें है. क्या आप उससे भी ऑब्जर्वेशंस अपने लेते हैं, कुछ आइडियाज़ वहाँ से लेते हैं, लिखते हैं उस तरह का कुछ? नहीं, देखिए, पढ़ता रहता हूँ लोगों के विचार. लैंग्वेज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अंग्रेज़ी और हिंदी जो है एक दूसरे के विरोध में नहीं है, हिंदी और अंग्रेज़ी की कोई लड़ाई नहीं है. लेकिन कई लोग मुझसे बोलते हैं, पूछते हैं कि आप हिंदी में लिखते हैं और आपके व्यवसाय में अंग्रेज़ी का बहुत प्रयोग होता है. तो मैंने कहा, देखिए, इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिए. हिंदी मेरी भाषा है, अंग्रेज़ी मेरा स्किल है. और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भाषा जो होती है वो एक माँ की तरह होती है. वो आप, मैं उसकी चोटी भी खींच सकता हूँ, उसके साथ में उसके गाल में ऐसे ऐसे कर सकता हूँ,
लेकिन वो अंग्रेजी के साथ मेरे को वो आज़ादी नहीं है, हिंदी के साथ मेरी आज़ादी है कि मैं उसकी चोटी खींच सकता हूँ और मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। निहारिका गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज़ निहारिका एंड आई एम फ्रॉम आइसम्स। सर मेरा सवाल ये था, फ्रॉम योर ठंडा मतलब कोका कोला कैंपेन वॉन द केनेंस लॉयन अवार्ड इन 2003 एंड यू हैव ऑल्सो बीन द चेयरमैन ऑफ दिस ज्यूरी इन 2008 एंड 2009। सो सर हाउ डज दिस फील टू बी रिकोगनाइज एट एन इंटरनेशनल लेवल? इज दिस वर्ल्ड वेकिंग अप एट इंडियन एडवर्टाइजिंग? इंटरनेशनल लेवल है मतलब आई कुड हार्डली थिंक ऑफ यू नो कि मैं कांस फेस्टिवल में चेयर करूँगा। इस साल मैं उनका ओवरऑल चेयरमैन हूँ कांस फेस्टिवल का। तो आई थिंक मैं वापस देखता हूँ छोटी छोटी उन पाठशालाओं को याद करता हूँ। आपको ताजुब होगा, मैं हम लोग जब क्लास पढ़ने जाते थे स्कूल में तो हम वो तख्ती लेकर जाते थे और वो जो बैटरी आती है उसको तोड़ते थे, उसमें जो कालिक निकलती थी उसको तख्ती पर लगाते थे और खड़िया से लिखते थे। तो आज शायद लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, कलम जो होती थी वो सरकंडे की हम लोग खुद काट करके और उसे छील करके कलम बनाया करते थे, उससे लिखते थे। तो ये सब चीज़ें करके और जब ये मैं बातें एक फ्रेंच रिवियरा में जाके किसी को बताता हूँ तो उनको बिलीव नहीं होता, उनको शायद ये लगता है कि हिंदुस्तान में अब भी लोग हाथी पे स्कूल जाते हैं शायद, यू नो। लेकिन उनको पता नहीं हिंदुस्तान भी बदल गया है। और लेकिन मैं उस छोटी जगहों से आता हूं और मैं उसमें मुझे फ़ख्र है कि मुझे जीवन से और मिट्टी से मैं इतना जुड़ा रहा। क्योंकि देखिए अगर आपकी जड़ें जुड़ी रहेंगी ना तो आप ऐसा वृक्ष बन सकते हैं जो कहीं भी ऊंचाई में जाकर लहराएगा, लेकिन जब तक उसकी वृक्ष की जड़ें जुड़ी हुई हैं तब तक उसे खाद पानी मिलता रहेगा। तो मैं इसलिए खाद पानी की कोई कमी नहीं। सुनिए, इतना कुछ लिखा है आपने, इतनी सारी फिल्मों में आपने डायलॉग्स लिखे हैं, स्टोरी लिखी, स्क्रीन प्ले, गाने लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, आपके दिल के सबसे करीब कौन सी लाइनें हैं? कौन सी ऐसे कहा जाए मतलब जो अक्सर आपके जहन में आती हो, आप अलग अलग विषयों पर अलग अलग चीजें हैं। मतलब कोई ऐसा गाना आपने लिखा हो जो आपको बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है? मुझे मौला मौला बहुत अच्छा लगता है, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली छह से मसककली मुझे बहुत अच्छा लगता है। मसककली, इसका देखिए मसककली का कोई मतलब नहीं है, क्यों प्रसून जी? मसककली कोई शब्द नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये कहाँ से आया? ये मुझे याद है यार रहमान साहब के स्टूडियो में रात को हम लोग काम कर रहे थे तो वो एक ही वॉज प्लेइंग अ ग्रूव, तारा 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 अगेन अगेन। सो मेरे को ऐसा ख्याल आता कि मसककली मसककली उड़ मदककली मदककली मसककली मसककली उड़ मदक। सो अब वो मसककली वो कह रहे ये बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में पर मतलब क्या है इसका? तो मैंने कहा मतलब तो कुछ नहीं है इसका, तो पर मैंने कहा इसका मतलब निकाल सकते हैं। तो अगर मसककली हम लोग कबूतर का नाम रखे फिल्म में तो उसमें कबूतर का नाम मसककली है फिल्म में, तो मसककली उड़ मटककली मटककली जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक। सो मैं उसको खेलने लगा उसके बाद, तो वो एक गाना बन गया उसके बाद। और हमारे देश में क्या है, कोई ये मानना नहीं चाहता कि उसे भाषा नहीं आती, तो मेरे कई दोस्त हैं उनसे पूछते ये मसककली तूने लिखा है यार, आई नो द ऑफकोर्स आई नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड बट विच कॉन्टेक्स्ट हैव यू यूज्ड इट? सो मैंने कहा भैया कोई ऐसा शब्द नहीं है, आप क्यों मतलब आपको नहीं हो पता होगा? नहीं नहीं आई नो, कोई शब्द है ही नहीं भाई मेरे। अच्छा I thought there is something like that exists, no? Like, yeah, of course. तो अभी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, खेलते हैं और ऐसे मसककली भी बन गया। और कौन सा गाना जब आप गाते हैं तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं प्रसून जी? I don't know. एक गाने की बात में एक मैंने शुभा मुद्गल जी के लिए लिखा था एक गाना, सीखो ना नैनो की भाषा पिया, दैट टाइम इट वॉज वेरी पॉपुलर 15 साल पहले। थोड़ा याद दिलाइए ना प्रसून जी। सीखो ना नैनो की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशिया, सीखो ना पिया लब तो न खोलूंगी मैं समझो दिल की बोली, सीखो ना नैनो की भाषा पिया।
क्या बात है, मसक कली हवन करेंगे और ये एकदम अलग अलग है। और कोई स्टूडेंट्स जो सवाल पूछना चाहते हैं? आजकल एक गाना बहुत पसंद आता है मुझे अपना ही। हाँ, कौन सा? ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में, ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में, डूबना है बस तेरा बनके, नहीं रहना दूजा बनके, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, खींच लेना प्राण इस तन के, नहीं रहना दूजा बल के, ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में, ओ रंग रेज। माइक माइक। आप अभी भी अपने संगीत का रियाज कर रहे हैं क्या? नहीं, जितना करना चाहिए नहीं, कभी कभी शावर के नीचे करता हूँ। कौन सा गाना गाते हैं प्रसून जी बाथरूम में? कोई भी यार, डजंट मैटर। मतलब अपने गाते हैं या कोई भी जो चल रहा है? मैं तो जिंगल लिख रहा था उस वक्त, याद है मुझे, एक लिखा था उम्मीदों वाली धूप सनशाइन वाली आशा। वैसे और कोई राइटर हैं, और कोई म्यूजिक कंपोजर हैं या सिंगर है जिनके गाने आपको बहुत पसंद हो? मुझे शंकर के गाने बहुत पसंद है। ओवर अंग्रेज तो मुझे इसलिए याद आ गया कि हम लोग अभी बैंकॉक से लौट रहे थे, तो शंकर महादेवन का एक छोटा बेटा जो है वो मेरे को एयरपोर्ट की जो बस होती है उसमें आके उसने जोर जोर से आपका लिखा हुआ ये गाना मुझे बेस्ट लगता है, और बच्चा है उसने ये गा के सुनाया, इट वॉज सो ब्यूटीफुल। कौन सा गाना पसंद? ये ओवर अंग्रेज। गुड आफ्टरनून सर। सर टुडे विद द मर्जिंग ऑफ मीडिया, what is the next step for advertisers? See, we are living in times of a very very complex media landscape. Today it is very difficult to reach out to the consumer. Today's consumer is completely spoiled. Aaj chuka jo consumer hai, it has got so many choices. Aap agar dekhe, pehle nahi hota tha ki itne sare channels available hain. Today if you want to advertise on a particular program, you do not know whether that person is going to be the appointment viewing, as we call it. That's on decline. You have social media there, you've got digital media, internet, and also a shopping mall. Now a shopping mall is fighting with a cinema theater. At the same time, this same person could, you know, get his enjoyment out of going to a mall, who was earlier only going to a theater. In a small town earlier, only avenue for entertainment you had was a cinema hall, a theater, and you could release a film. In earlier days when we were growing up, you had these programs like Mahabharata and Ramayan, and everybody used to watch it. So if you put an ad there, you are absolutely assured that your ad is going to reach out to people. But today is such a complex media landscape that the planning in terms of how you get your consumer and how you get your audience has become a big task, and it really is a complex task. Hello sir. Sir, मैं ये जानना चाह रहा था, आपने शीला दीक्षित और कांग्रेस और बीजेपी के लिए, इन तीनों के लिए आपने ऐड क्यों किया सर? क्योंकि दोनों आपस में दूर विरोधी पार्टी है। सर दूसरा प्रश्न है, आपने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कहा था जैसे सटना का मतलब किसी को वहाँ पर मालूम नहीं था जब आप शूट कर रहे थे, तो क्या सर हिंदी के सब सिमट रहे हैं? जी, दोनों अलग अलग सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि वी आर प्रोफेशनल, सो वी आर अ वेरी लार्ज कंपनी विच आई रिप्रेजेंट। मैकैन इज विच आई एम द सीईओ ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड मैकैन एरिक्सन, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी। सो वी हैव अ लार्ज फुटप्रिंट ऑफ क्लाइंट्स, एंड कोई भी हमको अगर अपना एज फार एज उनका प्रोडक्ट लीगल है और इस देश में उसकी एडवर्टाइजिंग हो सकती है, तो अगर हमें कोई अप्रोच करता है तो हम उसको हमारी कंपनी के अलग अलग विंग्स हैं वो उसको सर्विस देते हैं। कोई डिजिटल एडवर्टाइजिंग करता है, कोई डायरेक्ट मार्केटिंग करता है, तो हम उनको मना नहीं करते, बिकॉज इट्स अ बिजनेस आउट ऑफ एवरीथिंग, यू नो, इट्स नॉट योर आइडियोलॉजी। जब कोका कोला आप का एड बनाते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि कल को फिर और किसी कंपनी का आप ऐड नहीं बनाते।
तमाम तरह की प्रोडक्ट्स है मार्केट में. एज फार एज द प्रोडक्ट्स आर अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू बी सोल्ड टू बी एडवर्टाइज्ड, हम लोगों को उसके साथ करना चाहिए और इट शुड बी परफेक्टली. सो दैट्स अ वेरी प्रोफेशनल डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनी कि वो किसके साथ काम करें और किसके साथ. कुछ मना करने का वक्त होता नहीं क्योंकि मना करना भी नहीं चाहिए बिकॉज योर बिजनेस. रही बात शब्दों की, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो शब्दावली है, जो वोकैबुलरी है, वो इस वक्त कई बार गुलजार साहब से मैं इस बात का जिक्र करता हूँ कि जब उन वो लोग ज़्यादा वो यंग थे उस वक्त, लोगों की शब्दावली, लोगों की जो वोकैबुलरी थी वो बड़ी थी. आज मुझे सट के बैठना जैसी चीज़ जो है उसके लिए विवाद करना पड़ता है, बातचीत होती है कि ये सटना कौन समझेगा. सटे सटे से ये रिश्ते मैंने लिखा था उसमें ब्रेक के बाद में, तो काफ़ी लोग कह रहे सटना का मतलब नहीं समझ में आया. तो ऐसे युग में आप जी रहे हैं जहाँ पे शब्द जो है सिकुड़ रहे हैं. मुझे इस बात से परहेज नहीं है कि SMS जैसा शब्द हमारी भाषा में आ जाए और हमारे पास हम ये कहें कि SMS भी एक हिंदी भाषा का शब्द बन जाए. लेकिन SMS शब्द अगर संदेश शब्द की हत्या करके आता है तो मुझे परहेज है उस बात से. जहाँ पे संदेश से आते हैं वहाँ SMS आते हैं, नहीं कह सकते आप. भाषा को आपने ज़्यादा बड़ा बनाना है, उसको उसके पंख फैलाने हैं, उसका आकाश उसका विस्तार करना है, ना कि उसे छोटा करना है. आप नए शब्दों को शामिल कीजिए और पुराने शब्दों को न छोड़िए, क्योंकि शब्द जब मरता है, शब्द जो है वो भाषा का एक संस्कृति का कैप्सूल होता है. जब एक शब्द मरता है तो उसके साथ साथ वो संस्कृति भी मरती है, वो सिर्फ अकेले नहीं मरता. सर, सर मायसेल्फ प्रियंका, सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत सारी फिल्मों में आपने हीरो के साथ काम किया है, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, सर आमिर खान को छोड़कर? अच्छा. नहीं, अभी फरहान के साथ मैंने काम किया, भाग मिल्खा भाग लिखी, तो मुझे लगा फरहान ने बहुत अच्छा अभिनय किया, तो बहुत मज़ा आया फरहान के साथ काम करने में. तो अब मैं कहूँगा फरहान बहुत अच्छे लगते हैं मुझे. सलमान खान बहुत अच्छे लगते हैं. दो वो फिल्म ज़्यादा चली नहीं थी पर लंडन ड्रीम्स मैंने की थी उनके साथ, बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करने में. ही इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन टू वर्क विथ, बहुत दिलदार आदमी है. एक तरह का माहौल बनता है उनके साथ काम करने में. तो मुझे लगता है कि जो भी लोग जिनके साथ भी मैंने काम किया, एक्चुअली सलमान के साथ मैंने एक और फिल्म की है जो वो भी थोड़ा आर्ट टाइप की फिल्म थी, फिर मिलेंगे. बहुत खूबसूरत फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी है, बहुत अच्छी. उसके गीत भी बहुत सुंदर है. एक तो जीने के इशारे मिल गए, उसमें बहुत अच्छा गाना है, और खुल के मुस्कुरा ले. मैं आपको खुल के मुस्कुरा ले की दो लाइनें बता गा के सुनाता हूँ, क्योंकि ऐसे गीत हो जाते हैं जो मेरे प्रिय हैं लेकिन लोगों ने ज़्यादा सुने नहीं. खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे. खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे. बूंदों को धरती पर साज एक बजाने दे. हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा. गगन के गाल को चल जाके छू ले जरा. खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे. बूंदों को धरती पर साज एक बजाने दे. Excuse me, sir. प्रसून जी, कौन से ऐसे एक्टर हैं जिनके लिए आप गाना चाहेंगे? आपको लगता है स्क्रीन पर आपकी आवाज उस एक्टर को सूट करेगी? नहीं नहीं, मुझे किसी एक्टर के लिए नहीं गाना है. मैं कोई, आप कभी सोचा होगा कि मैं स्वांते सुखाई गाता हूँ और अभी एड में अपनी आवाज़ें मैं बदल बदल के देता हूँ. अभी आप एक ऐड देख रहे हैं, मैंने ये बताया नहीं किसी को, यहाँ बता रहा हूँ. अभी ऐड आया फरहान और दीपिका वाला, वो आवाज़ मेरी है भाई. जब वो गाना, वो आवाज़ जो आ रही पीछे, दिल में रॉकेट फूटने लगे, वो मेरी आवाज़. चलिए और कोई. एक्सक्यूज मी सर. सर, देश की आधी आबादी को हक कैसे मिलेगा, ये आप अपनी पोएट्री के जरिए कुछ बताएं. हम किसको आवाज को?
आधी आबादी देश की आधी आबादी को महिलाओं को हक कैसे मिलेगा, ये अपनी पोएट्री के जरिए कुछ बताएं। कैसे मिलेगा? कहते हैं कलम में बड़ी ताकत होती है प्रसून जी। अभी तो मैंने लिखा नहीं, इस तरह से नहीं लिखा है। सर कुछ दो लाइनें हो जाएं। प्रसून जी आप डिस्क्राइब कर दीजिए, लाइनें मत बताइए। कहते हैं कलम में बड़ी ताकत होती है, समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ लाइनें, कुछ एक शब्द भी काफी होते हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? और रिसेंटली क्योंकि हम देख रहे हैं कितना बदलाव आ रहा है हिंदुस्तान के समाज में। नहीं, मैं ये कहूँगा कि बदलाव के लिए सबसे पहली बात ये कि बदलाव जिन लोगों को चाहिए उन लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा। कहीं ऐसा दौर ना आ जाए कि देखिए एक तरह की पॉलिटिक्स निकली है, वो पॉलिटिक्स से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग अपनी समस्याएं बता सकते हैं, लोग अपने आंसर्स जानते होते तो आपको क्यों चुनते भाई। तो कई बार ऐसा मुझे लगने लगता है कि अपीजमेंट की कहीं ऐसा माहौल ना बन जाए कि लोग अपने आंसर्स भी देने लगे, लोग ये भी बताने लगे कि हमें कैसे निजात मिलेगा। लोगों ने कहा कि भाई हमें बिजली नहीं है, लेकिन वो उनको बिजली कैसे मिलेगी अगर वही बताने लगे हैं, तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है वहाँ पे? तो मुझे लगता है एक तो सक्रिय होना चाहिए लोगों को, डेफिनेटली अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट होना चाहिए, लेकिन उसके बाद सही लोगों को चुनना बहुत ज़रूरी है। पीपल हु कैन रियली यू नो प्लान एंड टेक डिसीजंस। आवाज़ का उठना बहुत ज़रूरी है, जो उठ चुकी है और वो उठी हुई आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए, उसे और मुखरित होना चाहिए और बलवती होना चाहिए, और उसके बाद सही लोगों का चुनाव करना चाहिए, और उसके लिए वोट भी करना बहुत ज़रूरी है और वोट भी करना चाहिए। और कोई? गुड आफ्टरनून सर। सर इंटरनली द स्लो डाउन हैज पुश्ड एडवर्टाइजर्स ऑनलाइन, डिजिटल इज द बिग मीडियम देयर अनलाइक हियर, प्लीज शेयर योर थॉट्स। डिजिटल? यस, डिजिटल इज अ वेरी बिग मीडियम। People sitting in this room right now are all connected. I know you are on Twitter, you are on Facebook, or we are living in an era where we are completely connected. In fact, आज हम एक ऐसे era में जी रहे हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। Earlier, we could live in a very island and suspended state. Like, what is happening in United States at this moment did not bother you. But right now, if a product has a problem, is suppose accused of exploitation of a certain society or community, and this comes out in US or in Indonesia or in Vietnam, right now you can come to know. Suppose aap ek product consume karne ja rahe the, suddenly aapko ek tweet aata hai ki falan shahar mein, falan desh mein, is product ki company ne falan atyachar kiya hai, तो शायद आपके हाथ से वो ग्लास चला जाए, आप बोले यार इसको नहीं छुएंगे हम। सो वी आर लिविंग इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड वेयर व्हाट हैपेंस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज पोटेंशियल ऑफ डैमेजिंग यू एनीवेयर एल्स। सो इट्स वेरी वेरी कनेक्टेड वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, एंड द रियलिटी, सो इज नो सस्पेंडेड रियलिटी, नो सॉर्ट ऑफ आइलैंड स्टेटस, नो शाइंग अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट आई कुड नॉट डू जस्टिस इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट शुड नॉट इफेक्ट मी इन अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। सो यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल टुडे व्हेन यू आर मार्केटिंग अ प्रोडक्ट, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वेरी न्यू कनेक्टेड रियलिटी। प्रसून जी, आपका कन्फ्यूजन ऐसा लगता है अब सब लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी सिंगिंग की तारीफ करें, राइटिंग की तारीफ करें, आपके अंदर तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों के साथ थिंकर है उसकी तारीफ करें। मुझे प्रीचिंग करना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू टीच, आई ओनली नो वन थिंग, मैंने जो लाइफ में सीखा है वो जिस तरह से भी गा के गुनगुना के कह के आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ, बस इतना ही कर। इसकी एक डाउनसाइड भी होगी प्रसून जी, आपके क्रिटिक्स ये कहते हैं कि सब कुछ आप ही कर लेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। भाई मैं जितना कर सकता हूँ वही कर रहा हूँ, मैं तो वो नहीं कर रहा हूँ जो मैं नहीं कर सकता। हेलो सर, वन क्वेश्चन। हेलो सर, मैं सर शिवम भट्ट। सर ये पूछना था, जो रंग दे बसंती मूवी है उसका सॉन्ग रूबरू आपने लिखा है जी, तो सर वो बड़ा अच्छा सॉन्ग है, यूथ ओरिएंटेड सॉन्ग है जी। तो सर आप अभी जैसे शब्दावली वोकैबुलरी की बात कर रहे थे, तो सर उस गाने की शुरुआत ऐस साला अभी अभी ऐसे शुरू होते ही है, तो सर ये जानना चाहता हूँ कि आपके मन में उस समय क्या विचार चल रहे थे आपने इस वर्ड से जो गाना शुरुआत करा, कोई और अल्टरनेटिव भी हो सकता था? ये बड़ा अजीब सी बात है, मुझे अभी ख्याल आया, तब मैंने ऐस साला से शुरुआत किया था, और इस बार जो मैंने गाना किया जिंदा, उसमें भी साला का यूज है, यू नो कोयला गाना है, कोयला काला है चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला। तो तब साले से शुरुआत की थी, अब साले पे एंड किया है।
सर दो लाइन गुनगुना सकते हैं इफ यू डोंट माइंड? कौन सा सर? रूबरू अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं हुई सुबह मैं जल गया सूरज को मैं निगल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रसून जी। ये अब क्योंकि ये एस साला का जिक्र आया तो एक सवाल मेरे जहन में ये आ गया कि कोई भी फिल्मों से जुड़ा शख्स कभी मीडिया के सामने आता है तो ये सवाल जरूर पूछा जाता है कि वल्गैरिटी जो आजकल की राइटिंग्स में गानों में मूवीज में दिखाई दे रही है उस पर आपका क्या टेक है? आपकी राइटिंग्स में वो नहीं दिखता है, आप मर्यादा के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जो यो हनी सिंह नहीं गलत है, वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक वल्गैरिटी की एक लेकिन सुपर हिट है प्रसून जी, पॉपुलर है आजकल। सुपर हिट तो कुछ भी हो सकता है ना, पोर्नोग्राफी भी सुपर हिट है। हेलो सर, सर दिस इज दीक्षा फ्रॉम आइजम्स। सर आपका कोई आइडल था जिसके जैसा आप बनना चाहते थे या सिर्फ आप प्रसून जोशी बनना चाहते थे? मेरे ख्याल से सिर्फ प्रसून जोशी बनना चाहता था। मुझे एक्चुअली बहुत से वक्त में अलग अलग तरह के लोग इंस्पायर करते थे, तो इफ आई पॉइंट आउट वन पर्सन इट विल बी अनफेयर, सो आई थिंक इवेंचुअली आई वॉन्टेड टू बी प्रसून जोशी। सर आप एक बार ओरी चिरैया जो आपने सत्य में बस आप बहुत गाने हो गए सर, प्लीज एक सॉन्ग। सर प्लीज रुक जाइए, रुक एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थक गए हैं प्रसून जी। और कोई सवाल हो तो बताएं। हेलो सर, एक एक करके एक्सक्यूज। हेलो सर, डॉक्टर अमिताभ गलगोटिया। एक बौद्धिक वर्ग से जुड़े व्यक्ति के लिए आम लोगों के लिए लिखना कितना कठिन है और आपके लिखने की प्रक्रिया क्या है? आई डोंट नो, पहले तो मैं खुद को बौद्धिक या बुद्धिजीवी कहना चाहूँगा या कहला सकता हूँ, पर अगर आपको लगता है तो आपका धन्यवाद। और लेकिन बुद्धिजीवी की सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि कई बार बुद्धिजीवी नपुंसक हो जाते हैं और वही एक जो चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों तक आपकी बात पहुँचे और कह देने भर से, स्पेशली अगर आप पॉपुलर कल्चर से जुड़े हैं और आप अपनी बात को संप्रेषित करने में विश्वास रखते हैं और आपको लगता है आपकी बात जो है उससे कुछ फर्क पड़ता है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिन बिंबों का, जिस भाषा का आप इस्तेमाल करें वो लोगों तक पहुंच सके, और उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, उसके लिए लोक भाषा भी समझनी पड़ती है, लोगों के जो ख्यालात में परिवर्तन आ रहा है उसे समझने की कोशिश करनी पड़ती है। आप अपनी एक कल्पना लोक में रहकर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपके साथ साथ चलते रहेंगे, लोगों से भी आपको जुड़ना पड़ेगा। इट्स अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ये टू वे ट्रैफिक है, जितना आप देते हैं उतना आपको लेना भी होता है। अगर साहित्य समाज का दर्पण है तो साहित्य समाज को शेप भी करता है, तो ये टू वे ट्रैफिक है, उसकी एक जिम्मेदारी है, उसके लिए काम करना पड़ता है, लगातार पल्स ऑफ पीपल आपको समझनी पड़ती है, और मुझे लगता है वो एक तरह की जिम्मेदारी है। हेलो सर, बस आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन। सवाल हाँ। सर मैं धर्मवीर भारती। सर मेरा प्रश्न है कि जैसे आज जितनी फिल्में आ रही हैं उनमें डायलॉग्स में गाली वगैरह का यूज होता है, कुछ अपशब्द का यूज होता है, लेकिन जैसे जो नए राइटर हैं जो लिखना चाहते हैं, ये भी कहा जाता है कि आप समाज को ऑब्जर्व करके और जो समाज की जो भाषा है उसको आप रखो, तो एक सर नए राइटर के लिए एक समस्या सामने खड़ी हो जाती है कि हम उस भाषा के मर्यादा पालन करते हुए हम उसे कैसे बचें और डिटो उसी चीज़ को हम कैसे रखें डायलॉग्स में? देखिए समाज में खासकर महिलाओं का जब जिक्र आता है मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोहरे मापदंड होते हैं। जो हम कहते हैं महफिलों में, सभाओं में बैठकर, वो हम प्रैक्टिस नहीं करते। मैं आपको मसलन एक एग्जाम्पल देता हूँ माँ का। अगर आप माँ के बारे में कोई अपशब्द लिख दें, कह दें, गा दें, तो मैं देखना चाहूँगा उसके बाद आप घर से बाहर कैसे निकलते हैं, नहीं निकल पाएंगे आप। सवाल यह है कि क्या महिलाओं का अपमान करके हम लोगों को स्कॉट फ्री जाने देते हैं? हाँ जाने देते हैं। जिस दिन हमारे पास वो नो टॉलरेंस पॉलिसी होगी कि हाँ हम माँ
की तरह माँ के बारे में आप कह के देख लीजिए, माँ कोई भी एक अपशब्द लिखिए और वो गीत बना के दिखाइए, मुझे कोई नहीं बना सकते आप। महिलाओं के लिए आप इसलिए कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसे मौन स्वीकृति दे रहे हैं, और वो जब तक वो मौन स्वीकृति मिलती रहेगी आप ये दोहरे मापदंड होते दिखाई देंगे आपको। वही लोग जो इन गानों को क्रिटिसाइज करते हैं अपने घर की बर्थडे पार्टीज में बच्चों के साथ उन गानों पर नाचते हैं, तो जब तक वो बदलेगा नहीं उसका एक्सेप्टेंस भी तो बदलना चाहिए ना। कहीं ना कहीं वो गाने बिक रहे हैं, हिट हो रहे हैं, और हिट कौन करा रहा है? वो आम आदमी वही हिट करा रहा है जो जो कह रहा है कि मेरे मुझे इससे प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो होनी चाहिए। कई लोग ये दलील देते हैं कि हमारी लोक संस्कृति में गालियों का बहुत प्रयोग है, वहाँ पे महिलाओं का इस तरह का प्रयोग है। क्या लोक संस्कृति सैक्रोसेंट है क्या? क्या उस पर आक्षेप नहीं कर सकते आप? अगर कहीं भी गलती हुई है तो अब वक्त क्या नहीं आ गया उसे सुधारने का? अगर है तो सुधारने का वक्त आ गया, तो सुधारा जाना चाहिए। द फैक्ट दैट यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन टूडे, यहाँ पर आप ये सवाल पूछ रहे हैं, ये बदलाव के संकेत ही तो हैं, और क्या है? प्रसून जी सेशन खत्म कर रहे हैं बस, आप भी थक गए होंगे, गुस्ताखी माफ करिएगा। नहीं नहीं बिल्कुल, आपके लिए आप ही की लाइन कह रहा हूँ जो आपने कभी बहुत पहले लिखी, पता नहीं आपको याद भी होगी या नहीं। रास्ते की धूल का एक एक कतरा उड़ उड़ कर यही कहेगा यहाँ से कोई गुजरा था, ये शायद आपने बहुत पहले लिखा था। प्रसून जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते आपसे गुजारिश ये है, क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं मीडिया की, कोई फिल्मों में, कोई एडवर्टाइजिंग में, मीडिया में, न्यूज में जाना चाहता है, इनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज जो इनकी हेल्प करे करियर बिल्ड करने में, सीखने में? नहीं, मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि एक तो आप लोग का जो ये वक्त है ये आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जितना भी आपको एक्सप्लोर करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, बिल्कुल मत घबराइए। अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो उससे भी मत घबराइए, क्योंकि धीरे धीरे हम तो दलिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो अपने हुनर पर विश्वास रखिए और एक्सप्लोर करते रहिए, कोई मुश्किल नहीं है। किसी को देर सवेर, किसी को जल्दी मिल गया, किसी को थोड़ा लेट मिले, लेकिन आपकी मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है, वो सही मंजिल है, बस उस पर विश्वास रखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जो जो भी आपका हुनर है उसको और मानिए, उससे बिल्कुल मत घबराइए, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच प्रसून जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मदद मिली होगी इन सब बच्चों को। बस एक आखिरी गुजारिश वो आपसे नहीं, इन बच्चों से है। प्रसून जी का थैंक यू करना है, प्रसून जी का कोई गाना गा दीजिए जल्दी से, कोई फन सा गाना, सब मिलके मस्ती की पाठशाला हवन करेंगे, हवन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। प्रसून जी तो सब आपके साथ गाएंगे। ओके, आप ही लोग गाइए। हवन कुंड मस्तों का झुंड, हवन करेंगे, जादू है प्रसून जोशी का, ये जादू है प्रसून जोशी का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसून जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रसून जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और हम अपने कुछ आपके आप हमारे मंथन में आए, अपने गाने गुनगुनाए, कुछ सुनी अनकुनी सुनी अनसुनी कहानियां भी बताए। हम तो यही चाहेंगे कि आप हर बार यहाँ आए और अपनी जादुई आवाज और शब्दों की कारीगरी से बार बार लगातार हमारा मन मोह ले जाए। Now let's announce the prizes of creative writing and AdMed competitions. सबसे पहले मैं अनाउंस करना चाहूंगी, विनर ऑफ AdMed शो, द फर्स्ट प्राइज गोज टू सत्यवती कॉलेज, द एड कैंपेन वॉज कोका कोला। खुशविंदर